लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्मार्टफोन्स की बात की थी जो आप अमेज़न के इस सेल में ले सकते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ लैपटॉप्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं इस सेल में। तो यार, कल है 17 अक्टूबर और कल से अमेज़न की सेल शुरू होने वाली है, लेकिन ये अमेज़न प्राइम मेंबर्स के लिए 24 घंटे पहले यानी आज से ही शुरू है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ लैपटॉप्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला लैपटॉप जो हमारे पास है वो है एसस टफ गेमिंग FX505DT। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 8GB रैम है जो कि 32GB तक अपग्रेडेबल है। ग्राफिक्स कार्ड आपको एनवीडिया GeForce GTX 1650 4GB वाला मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको विंडोज 10 लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, और अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसका 16.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। बाकी आपको कीबोर्ड में ऐसे लाइट वाइट दिख जाएगी, और ये लैपटॉप जो है गेमिंग और एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत सही है। इसका प्राइस अप्रॉक्स 51,000 है। बाकी अगर आप HDFC के कार्ड से लेते हैं तो आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ये लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये लैपटॉप सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। वैसे इस सेल में जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादातर प्राइम मेंबर्स के लिए ही है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है MI नोटबुक 14, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 8GB रैम और 256GB SSD है। काफ़ी थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है। स्क्रीन की बात करें तो 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, और बैटरी लाइफ जो है वो 10 घंटे तक की है। अब वैसे तो बैटरी लाइफ इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आप उसे किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये लैपटॉप आप एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोनी वेगस प्रो की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसका मिनिमम जो है वो 4GB रिक्वायरमेंट है रैम का, और वहीं अगर हम एडोबी प्रीमियर प्रो की बात करें तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 8GB रैम है। तो इसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और ये भी सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, और इसका कॉस्ट अराउंड 42,000 होगा। बाकी HDFC बैंक वाला अगर लगा ले तो वो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप जो हमारे पास है वो है एसर नाइट्रो 5, कोर i5 प्रोसेसर है और 16.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 8GB रैम है, और स्टोरेज में 1TB HDD है प्लस 256GB SSD है। इसमें आपको एनवीडिया GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएगा। अगर ये लैपटॉप आप गेमिंग लैपटॉप्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी लाइट वेट है। ये लैपटॉप आपको 56,000 में मिल जाएगा, एंड अगेन ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है एसस वीवो बुक 14। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 8GB रैम है जो कि 12GB तक अपग्रेडेबल है। 1TB HDD प्लस 128GB SSD है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बुरा नहीं है। कोर i3 प्रोसेसर है और 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। इसका प्राइस अराउंड 38,000 हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्राइम मेंबर्स ओनली वाला नहीं है, तो अगर आप प्राइम मेंबर नहीं भी हैं तो भी आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। इस लैपटॉप पर अगर आप गेमिंग ना ही करें तो अच्छा है, और अगर एडिटिंग की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेवी एडिटिंग नहीं कर सकते, आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हैं, ये बिगिनर्स के लिए सही है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं एडिटिंग में तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप जो हमारे पास है वो है HP 10th जेन लैपटॉप। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 4GB रैम है जो कि 16GB तक अपग्रेडेबल है, और 512GB SSD है। इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, और इस लैपटॉप को अगर आप गेमिंग और एडिटिंग जैसे काम में ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लैपटॉप आपको 48,000 के अराउंड मिल जाएगा, और ये लैपटॉप भी प्राइम मेंबर्स ओनली वाला ही है। तो अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो फिर ये लैपटॉप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लैपटॉप्स के बारे में जो कि ज़्यादा हेवी काम के लिए नहीं बने हैं। ये लैपटॉप्स उनके लिए जो बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं, मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, बस उतना ही। सबसे पहला लैपटॉप जो है वो है एसस वीवो बुक 15, 4GB रैम वाला, 256GB SSD स्टोरेज वाला, 15.6 इंच डिस्प्ले वाला ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा अराउंड 20,000 में। इस लैपटॉप से आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, और ये लैपटॉप भी सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास लेनोवो आइडिया पैड S145, 4GB रैम है जो कि 12GB तक अपग्रेडेबल है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, और 1TB का स्टोरेज है इसमें।
ये लैपटॉप आपको 26,000 में मिलेगा और इस लैपटॉप पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी लोड वाला काम नहीं करना है और ये भी सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए ही है। तो यार ये थे कुछ लैपटॉप्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं और इन सारे लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस सेल में जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उन सभी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप HDFC के कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।